Hi, this is Vishal, and in this video we are going to see how to wash your car. In this video we are going to do a water wash without any use of chemicals and soap. So let's see how we are going to do a plain water wash for the car. चलिए देखते हैं कैसे करना है. इसके लिए हमें चाहिए थोड़े बहुत माइक्रोफाइबर कपड़े साफ करने के लिए. गाड़ी साफ़ करने के लिए तीन तरीके होते हैं. एक तो आप कार ऐसे ही करके पूरे साफ कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग. अगर गाड़ी इतनी मैली है तो सीधे कपड़े से साफ करना गलत है. नेवर डू दैट. दूसरा तरीका है डस्टर से साफ करने के लिए. डस्टर से हल्के हाथ से ऊपर से ऐसे साफ कर सकते हैं, गाड़ी इससे साफ होगी. लेकिन क्योंकि गाड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी है तो ये इससे भी साफ़ नहीं होने वाली है. इसे साफ़ करने के लिए हमें पानी से ही धोना पड़ेगा. अगर गाड़ी पर स्लाइट डस्ट रहता तो ये डस्टर एकदम सही मायने में काम आता. हम कार को साफ दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो अगर आपके पास में पानी का कनेक्शन हो और पाइप हो तो डायरेक्ट आप इससे साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो बकेट में भी पानी रख करके आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं. क्योंकि अब हमारे पास में पाइप है तो हम पाइप से साफ़ करेंगे. पहले गाड़ी को अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक गीला कर लीजिए. जो सूखी मिट्टी है वो सब निकालना ज़रूरी रहता है. तो आपने अभी देखा हमने गाड़ी को पूरा एक बार गाड़ी को पूरा पानी से धो डाला है. जो कि सूखी मिट्टी जितनी थी वो सब निकल चुकी है. अब नेक्स्ट इसमें एक बकेट में पानी भर के इसको कपड़े से साफ. तो आपने जैसे देखा अभी हमने पानी से ऊपरी मिट्टी पूरी निकाल ली है पानी डाल करके. तो अब हमें इसे कपड़े से वॉश करना है. कपड़े से वॉश करने के लिए हमें दो बकेट पानी भरना है. एक इसे साफ करके रिंस करने के लिए कपड़े को, और दूसरा फ्रेश वाटर लेकर के कार को क्लीन करने के लिए. तो चलिए देखते हैं कैसे क्लीन करने का. सो ऑलवेज स्टार्ट वॉशिंग द कार फ्रॉम टॉप. देखिए अभी मैं शुरू कर रहा हूँ. ऑलवेज स्टार्ट वॉशिंग योर कार ऊपर से लेकर के, देन कीप कमिंग डाउन. नेवर गो द अदर वे राउंड. नीचे से ऊपर नहीं आना कभी भी कार वॉश करने के लिए. ये देखिए पहले आप रिंस करिए पानी में, एंड देन यू टेक दिस फ्रेश वाटर एंड देन स्टार्ट क्लीनिंग अगेन. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्लास के लिए कभी भी अलग से कपड़ा रखने का क्लीन करने के लिए, नहीं तो ये जो मिट्टी रहती है इस कपड़े में रहेगी वो सब इस पे लगेगी और इससे ग्लासेस पर स्क्रैच लगेंगे. तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड फॉर द ग्लास, हैव अ सेपरेट क्लॉथ. तो अभी आपने देखा हमने ऊपर साफ कर लिया है, अब हम करेंगे ग्लास की सफाई. ये मैंने ऊपर में क्लीन करने के लिए कपड़ा लिया था, इससे हम साफ नहीं करेंगे. एक और फ्रेश क्लॉथ है, इससे हम ग्लास साफ करेंगे. कभी भी इसकी कपड़े अलग से रखें. यू डोंट मिक्स अप दिस क्लॉथ विद द अदर थिंग्स. तो देखिए इससे हमने ग्लास साफ कर लिया है. अब हम बारी है नीचे बॉडी की. ये बॉडी के लिए ये कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, जिसे आप यहाँ पर रख दीजिए. एंड स्टार्ट क्लीनिंग द बॉडी डाउन. इस वॉश में हम कोई तरह का केमिकल या सोप हम यूज नहीं कर रहे. दिस इज ओनली प्लेन वाटर वॉश कर रहे हैं. अभी आप जैसे देखें हमारा ये पानी पूरा गंदा हो चुका है जिस पानी से हम धो रहे थे. तो अब हम अगर इस पानी से और गाड़ी धोएंगे तो गाड़ी पर पूरे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे. तो अब हम ये पानी को ले करके वेस्ट नहीं करेंगे, गार्डन में डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर पॉट्स में डाल देंगे. चलिए इसके हम अब पॉट में डालते हैं. यू कैन ऑलवेज पुट इट ऑफ बिकॉज इसमें और कोई केमिकल नहीं है. इट इज वेरी सेफ टू पुट इट फॉर योर प्लांट्स. इस तरह हम पानी की भी वेस्टेज कम करेंगे.
अब हम इसमें फ्रेश वाटर भर करके वापस से सफाई अपनी शुरू कर सकते। आपने देखा हमने गाड़ी को धुलाई वाटर वॉश कर लिया है, अब हमें पोछने की बारी है। जैसे हम ऊपर से गाड़ी को वॉश किया था वैसे ही हमें अभी कार को ड्राई करने के लिए भी ऊपर से ही साफ करना है। तो जस्ट टेक अ क्लॉथ एंड स्टार्ट क्लीनिंग फ्रॉम टॉप एंड देन कम डाउन टू द बॉटम। ओके सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। तो देखिए हमने अपनी कार साफ कर ली है, अब देखिए आप कार पूरी साफ हो चुकी है पानी से। तो अभी आपने देखा हमने पूरी बाहर से क्लीनिंग कर ली है कार की, पूरा ड्राई कर दिया है। आई वॉन्टेड टू शो यू सर्टन प्लेसेज विच वी यूजली निगलेक्ट, हम कभी साफ नहीं करते हैं वो जगह। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर दिस बीडिंग्स। बीडिंग हमें कभी भी धुलाई करके इसे ड्राई करना है, दिस विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ द बीडिंग। दूसरा द पोर्स इन द कार, अभी हमने जैसे गाड़ी धुलाई की है तो आप देखिए यहाँ पर सब देखिए पानी टपक रहा है। इट हैज गॉट होल्स, दैट प्लेस नीड्स टू बी क्लीन्ड फ्रीक्वेंटली, अदरवाइज आप जो गाड़ी धुलाई करेंगे दरवाजे के अंदर जो पानी रहेगा वहीं पर रह जाएगा और वो होल्स विल गेट चोक इफ यू डोंट क्लीन इट एंड रस्टिंग विल स्टार्ट कमिंग इन। सो ऑलवेज क्लीन द डाउन ऑफ द डोर, देखिए कितनी मिट्टी निकली है इसमें से, तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है हमें। हम कभी भी डिक्की जब धुलाई करते कभी खोल करके देखते नहीं अंदर में क्या हालत है। ऑलवेज ओपन द डिक्की, सी द प्लेसेस ओवर हियर, दिस इज ऑल विल हैव लॉट ऑफ वाटर ओवर हियर, ऑलवेज क्लीन दैट वाटर विद अ क्लॉथ। ये देखिए पूरा गंदी निकल रही है, ऑलवेज मेक इट राइट। देखिए यहाँ पर पूरे बिल्डिंग पर पानी है, जस्ट गेट इट क्लीन्ड थरोली। तो ये देखा आपने, देखिए यहाँ पर भी पूरा पानी लगा हुआ है। ये छोटे छोटे चीज है बट असली में मायने बहुत रखते हैं क्लीन करते वक्त। दिस विल ऑल हेल्प यू इंक्रीज द लाइफ ऑफ योर कार। तो ऐसे कार साफ करनी चाहिए। अब आज के टिप के बारे में, क्योंकि आज हमने कार वॉश का विषय उठाया और कार वॉश कैसे करनी है, तो इसलिए मैं इसी के ऊपर एक टिप दूंगा कि आप कभी भी अपना कार प्रेशर वॉश रेगुलर बेसिस पर एवरीडे बेसिस या दो चार दिन में रेगुलर ऐसे आप वॉश ना करें। उससे क्या होगा, आपका जो ऊपर का कोटिंग है जो वैक्सिंग कराया होगा या आपने सेरामिक कोटिंग कराया होगा तो कोटिंग निकलने का चांस रहता है क्योंकि उसमें इतना प्रेशर रहता है, उससे थोड़ा थोड़ा वो निकलते जाता है एंड इट इज़ गोइंग टू स्पॉइल योर पेंट। वंस इन अ वाइल प्रेशर वॉश आप कराइए, इट्स एकदम ओके है, लेकिन डोंट मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस। सो थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा होगा शायद आज वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो काइंडली गिव अ लाइक, डू शेयर माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। थैंक यू।